ताई से बात हो गई। और क्या ताई आ रही है? तीन ताई रहेंगी या तीन दिन? देख इतनी खुशी में, इसको ये नहीं पता इसे करना क्या है, पानी हमें देना है या खुद पीना है। पीना है इसे, खुद नहीं पता। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने दोस्त के घर, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है उनका घर। दोस्तों हमने जैसा आपको बताया था कि हम अपने दोस्त के यहाँ आए हुए थे, यहाँ 2.5 घंटे हो गए, इतनी बातें हुई, काफ़ी जो है बातें हुई, यूट्यूब को लेके बात हुई और अपने पर्सनली भी हम खूब मिले, और ख़ासकर आज अंकल आंटी से मिले, उनसे मिले हुए शायद हमें भी 8-10 साल हो गए, 10 साल बाद आंटी काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं कि आंटी करेंगे कितनी मोटी हो गई। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा आज हमें आके, और यहाँ से अब हमें सीधे घर जाना है। और ये हमारे मित्र पहचान लिया आपने, पिछले 1-2 ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं हमारे यहाँ बच्चे हैं जो कमाल के निकले। हाँ देखिए कहाँ है, एक बेटी तो शायद अब सो गई, बात करते करते सो गई। हेलो बोलो। हेलो हेलो, कैसे हो आप? कैसे आप? सीधे खड़े होके बोलो, सीधे खड़े होके बोलो। अच्छा आंटी जी से क्या कह रही थी अभी, तुम अब बताओ क्या, आंटी जी जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा? आंटी जी जा रही है तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, आंटी जी को रोक लो, अंकल जी को रोक लो, दोनों रुकेंगे तब सही रहेगा। लेकिन अभी हमें निकलना है गांव के लिए, तो आपसे हम आप मिलेंगे अपने गांव में, गांव में थोड़ा सा काम है वो भी करेंगे, उसके बाद आपसे अलीगढ़ मुलाकात करेंगे। हम पहुंच चुके हैं गांव और मैडम कर रही हैं पेड़ की छांव के नीचे आराम। देखो हमारी दीदी चाय ला रही है हमारे लिए। ओ भाई, और देखना चाय कितनी सारी लाई है, दिखाना, ये तो भर के देती है पूरी, कम कम दो गर्मी में। गांव में तो ऐसे होते हैं ना, गांव में भर भर के मिलती है, मालूम कस पर यहाँ चाय पी। ये है गांव की बिल्लो रानी, ये खा रही है अपना खाना शाम का, अब इसके बाद दूध देगी ये है। अच्छा ये एक ही टाइम दूध देती है। अच्छा ये किस चीज का फूल है? तोरैया। ये तोरैया आ रही है, अरे वाह, ये देखिए तोरंग की बेल है ये, और ये बहुत छोटी छोटी तोरंग, अभी ये लंबी लंबी बड़ी हो जाएगी, देखिए ये हो रही है ताजी तोरंग, ये अच्छी है यार, है ना, एक ये रही, एक अभी यहाँ देखी थी, है ना, ये रही, एक ये रही, ये तो अच्छा है गांव में, है ना। इनके देखो ये येलो कलर के फूल, येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन ही बड़ा प्यारा होता है। हो जाए 4-5 तो तोड़वा दो, 1-2 तो फिर बेकार है ना, यहाँ पता यार। हाँ। दिखानी पड़ेगी। हाँ आज घर खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि ना तो मम्मी है, ना दूसरी वाली ताई है बच्चों की, ना उनका बेटा है, पूरा घर खाली। ये देखिए ये यहीं आ जाती है, ये देखिए कितनी सुंदर है ये, वो कमरा तो खुल ही नहीं रहा, आजा आजा, कहाँ गई, फिर कमरे में घुस गई। शाम के 5 बज गए हैं, लेकिन अभी भी धूप निकल रही है, गर्मी लग रही है। सर गांव में घूमने चले गए हैं, आएंगे तब निकलेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा देखो सब्जी वगैरह तोड़वा लेती हूँ, यहाँ पे अभी हमने तोरी देखी थी, थोड़े निकलवाते हैं, चलो। सर भी आ गए, मैंने कहा सर आधे घंटे के लिए गए हैं, तो सर 15 मिनट में आ गए। अब हम जा रहे हैं छत पे और देखते हैं यहाँ से ये बच्चे क्या करामात करेंगे। ये देखो इनको डर भी नहीं लगता, ये जाएंगे जीने के ऊपर वाली छत पे। ओहो आराम से, और अब ये कहाँ से जाएंगे? अच्छा इस टीन पे से जाके उधर से वो तोरी तोड़ेंगी है। कौन सी तोरी? ये जो बेल है ना, इस पे एक ऊंचाई पे तोड़ेंगे उस दीवार पे, ये देखिए। आजा बेटा आजा, रहने दे, पूरे गांव में नीम के ही पेड़, आप इधर उधर सब जगह देखते रहो, नीम के ही पेड़ हमारे घर में भी है, ये देखिए हमारे घर के अंदर ही है नीम का पेड़, ये रहा। और ये बहुत घना था, इसकी टहनियाँ काट दी जाती हैं क्योंकि छत तक गिरती हैं ये, तो गांव के बच्चों को देखो कितने एक्सपर्ट होते हैं। कहाँ जा रही है तू? अरे लाइट आ गई, समर चल गई,
दिखा बेटा तोरा ही दिखा। अरे हाँ, अरे वाह, ऐसी ताजी ताजी चार पांच तोरा ही मिल जाए तो ही बहुत है हम लोगों के लिए, तो है ना। आप लोगों को दिख रही है, देखो ये लटक रही है, ये लटक रही है। अरे वो नीचे देखो झोला फैला के खड़ी है। अरे ये रही भाई गांव की ताजी सब्जी, ये रही तोरई। ये देखिए इस एक तोरई के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा है। आ जाओ बेटा, कौन धोएगा गाड़ी, मैं भीग जाऊंगा। ना ना, हम भी नहीं रहा जाते यार, 3 घंटे से आ जा, 3 घंटे से ज्यादा नहीं रहा जाता। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या नहीं है मेरे पास। हम तो 3 दिन के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगी। ये रिजर्वेशन से पहले ही बोलना था ना। अरे हम तो गांव में ताई से, क्या ताई से, ताई से बात हो गई और क्या। ताई आ रही है, 3 ताई रहेंगी 3 दिन। देख इतनी खुशी में, इसको ये नहीं पता इसको करना क्या है, पानी हमें देना है या खुद पीना है। पानी मुझे देनी है, पी गई। आज मम्मी पापा का दिन अच्छा गया होगा, लेकिन हम लोग इतने पागल हो गए घर पे, मतलब हम लोग 2 घंटे नहीं रह पाते मम्मी के बिना। आज 6 घंटे उससे भी ज्यादा शायद है मम्मी। हम लोग इतने पागल हो गए थे, हम पे नहीं रहा जाता बिना मम्मी पापा के। और ये लोग अभी टूर और लगा रहे 3 दिन का, वाह हम लोगों की तो हो जाएगी। प्याज काट रही है। तो मम्मी ने बना दी दाल, देखो कितनी मस्त बनाई है। इसमें सब्जियां वगैरह, मतलब टमाटर धनिया वगैरह सब बड़ी मस्त तरीके से डाला हुआ है। रोटी भी आ गई, ये हमारी प्याज दाल रोटी प्याज, पापा को भी बहुत पसंद है। तब खाना लेके जाती हूँ, वो दोनों टीवी देख रहे हैं। आज पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, हम लोग बाहर घूमने गए, लेकिन बेटी ने बताया कि वो हमारे पीछे बोर हो गई। और एक गड़बड़ ये हो गई, आज अच्छा डॉटर्स डे है और मुझे नहीं पता था, मैंने इसको विश भी नहीं करा और मैं इसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर आई। कोई बात लेकिन पता है तो स्पेशली पहले तो मैं इसको सॉरी बोलूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब हम जा रहे थे दोपहर को यहाँ से, तो इसने मुझे ये बोला मम्मी आज डॉटर्स डे है, तो मुझे लगा आज डॉक्टर्स डे है, तो मैं प्रेरित को ये बोल के चली गई इसको तो डे ही मनाने है, मनाने दे। और मैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे थे, हम 20-25 मिनट लेट थे, हमें जहाँ जाना था हम निकल गए। और अब मैं लौट के आई, तभी अभी मैं खाना खा रही थी 9 बजे करीब, तभी उससे बोली कि मम्मी मैंने आज आपको ये बोला डॉटर्स डे और आप ऐसे मुंह बना के चली गई। तब मुझे रिलाइज हुआ, तो सॉरी कोई बात नहीं। मम्मी ने सुना डॉटर का डॉक्टर सुन लिया, देखिए ये दिन क्यों होना है, मैं तो ये समझ नहीं आता डॉटर्स डे क्या होता है। हम अपनी बेटी को एक दिन प्यार करेंगे, नहीं हमारे लिए तो डेली डॉटर्स डे है। मैं अभी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर। तो फिलहाल अब हम बहुत थक चुके हैं, मुझे लग रहा है मेरी आंखों में नींद के साथ साथ जलन भी हो रही है। डॉटर तो दोनों की होती है ना ये। मैं आऊं? हैप्पी डॉटर्स डे बेटा। थैंक यू पापा, ने ले लिया आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद ले लिया मैंने। आशीर्वाद भी प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास पहुंच रहा है। थैंक यू। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, सॉरी के साथ, हंसी के साथ, मजाक के साथ। तो आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।